प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का 8th लेक्चर और प्रोजेक्टाइल का 2nd लेक्चर। जो अपन पिछले लेक्चर में बात करी थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, उसी के अंदर बढ़ते हुए आज अपन पढ़ेंगे इसकी इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं उसको, जिसमें अगर अपन को एक्स पता हो तो वाई निकाल लो और वाई पता हो तो एक्स निकाल। क्या मतलब है उसकी इक्वेशन। जैसे प्रोजेक्टाइल है, ये ओरिजिन 0 0, किसी टाइम पर अपन को इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता निकालना है। एक्स है तो इसका वाई, मतलब ये आपका एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। मतलब जहां से फेंका है उसको, ये जो डायरेक्शन है वो इस पर है कि जहां से अपन ने फेंका है वहां ओरिजिन है, और एक्स एक्स का लॉन्ग है और ये वाई है। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स है तो उसके साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई में रिलेशन, तो अपने ऊपर भी लिख दिया रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसका ओरिजिन कहाँ, जहां से अपने प्रोजेक्शन किया है वहां से एक्स है इसका डायरेक्शन, और किसी टाइम टी पर उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। अगर एक्स पता हो तो वाई निकाल सकते हैं, वाई पता हो तो एक्स निकाल सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, और यू एंगल, ये रहा यू, और आपको थीटा दिया जाएगा। उसमें कह देंगे कि अगर सपोज एंगल यू वेलोसिटी जो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, तो उसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट इतना है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, और जहां से प्रोजेक्ट किया है वहां पे 0 0 है। देख क्या, तो बच्चों अपन देखते हैं कि टी टाइम पर मान लो एक्स डिस्टेंस, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ। तो टी टाइम एक्स इजिकल टू हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा टी। अच्छा, इसमें एसेलेशन तो होता नहीं है, पिछले लेक्चर में पढ़ रहा, तो ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा और टाइम टी तक, और उसी टाइम में जो वाई कवर करेगा, जो वाई वो वर्टिकल कंपोनेंट से करे, तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये होगा। अब टी को अपन एलिमिनेट कर दें तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी की जगह अपन यहां रह सकते हैं, ये टी इजिकल टू यहां से एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये इसमें, तो एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ जी, और एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जिसको अपन ऊपर जाके साइक स्क्वायर भी ले सकते हैं, 1 स्क्वायर 10 इसको, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, यू दे देंगे आपको, थीटा दे देंगे, और एक्स दे के वाई पूछ सकते हैं, वाई देखे एक्स। तो अगर अपन एक्स और वाई में जो ग्राफ बनाएंगे इसके अंदर प्लॉट करके, तो ये पैराबोलिक आएगा इस तरह का, जो ये प्रोजेक्टर का पाथ है उसको फॉलो करेगा। एक तो आपको ये याद रखना है, एक दूसरा आर के टर्म में लिख सकते हैं इसको अपन, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लें, तो यहाँ पे तो एक्स टेन थीटा है ही नहीं ना, तो अपन क्या करते हैं, एक और है, इसको ऐसे करो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जी ये हो गया टू, और कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा, क्या करा बच्चों, टेन थीटा से कॉम, क्यों मैं एक्स टेन थीटा कॉमन लेना चाहता हूं, तो एक्स टेन थीटा कॉमन लिया 1 माइनस, अब एक एक्स टेन थीटा तो उधर चला गया, एक्स अपॉन, अब समझना इसको जी से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ इसके अंदर। अच्छा, ये देखो टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टू,
यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जी का ओपन इसे डिवाइड कर दिया इसके अंदर अपॉन जी, क्या क्या ऊपर इसमें भी जी इसका दिए, तो ये जी कैंसिल हो, जी इधर आ गया, तो ये क्या एक्चुअल में रेंज का फॉर्मूला बन रहा है, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा हो जाएगा अपॉन जी, तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला इधर लिख देते हैं आपका आर, तो वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, आप इस पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो अपन इस पर डिस्कस करते हैं, दोनों पे एक न्यूमेरिकल मैं इस पर लेता हूं और एक न्यूमेरिकल इस पर लेता हूं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा इधर, देखो क्वेश्चन ये है, ये कोई आपकी वॉल है एक्स, ये 20 मीटर और इस तरह प्रोजेक्ट किया है कि इसको ये टच करती जा रही है, मतलब जिस टाइम ये एक्स 20 होता है तो एक्स आपका 10 है और इसका स्पीड है इधर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक, ये आपकी कोई वॉल है वॉल, कि आपने 20 मीटर पर सेकंड से इस तरह प्रोजेक्ट किया है कि 20 मीटर की डिस्टेंस पर कोई वॉल है उसको ये टच करती हुई जा रही है, तो आपको निकालना है फाइंड थीटा, तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में टी टाइम पर 20 करता है तो उसी टाइम में एच 10 करता है, तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ले सकते हैं काम इसको, तो क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा उस टाइम क्या है, इस वाई की जगह क्या रख देते हैं 10, एक्स की जगह 20 टेन थीटा माइनस जी 10 एक्स 20 का स्क्वायर 2 यू स्क्वायर आपका कितना है 20 का स्क्वायर, और इसको कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या किया मैंने, इस कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर जाके क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, और सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है उसको ध्यान होना, जिसको टेन थीटा में लिख दिया पूरा, ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 20 से ये कैंसिल हो गया और ये आपका 5 आ जाएगा, और इसको अगर अपन आगे जाके सोल्व करें देखो क्या आता है, तो 10 आपका इसको भी 5 से काट देते हैं दोनों तरफ, ये 0 5 से काट दे तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 टेन थीटा माइनस 5 से काटा 5 इसे कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें अपन, वो ये आ जाएगा आपका एक्स 20 टेन थीटा और एच 10, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा प्लस 3, हाँ सही है, तो टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा 0, टेन थीटा कॉमन लिया माइनस 1 तो टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा ये फैक्टर 0 तो थीटा कितना हो जाएगा,
थीटा इज इक्वल टू 3, टेन थीटा इज इक्वल टू 3 और टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आएगा। तो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स 3, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन अगर याद है तो आप इसको यूज ले सकते हैं। अब इस पे भी एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो इस पे इसको आप उतारो, मैं नया क्वेश्चन लेता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। एक आपके प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दे रखी है, खुद ने एक बार इक्वेशन दिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल y इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस ए वटा थ्री एक्स स्क्वायर जी। तो फाइंड थीटा टी यू एंड आर, ये निकालना है, मतलब इसका प्रोजेक्शन एंगल, टाइम पीरियड, इनिशियल वेलोसिटी एंड रेंज निकालना। तो आप देखो इसको फॉर्मूले को इससे कंपेयर करो, इसमें देखो बनाना चाहिए, बाकी एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल दो, सारे वन निकाल दो। तो वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स अपन कॉमन ले लें, तो रूट थ्री से ऊपर, रूट थ्री तो इसमें है नहीं, रूट थ्री से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा रूट थ्री, थ्री रूट थ्री, देखो इधर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर इधर रूट थ्री, तो रूट थ्री चला गया, ये रूट थ्री आ जाएगा और इधर आ गया एक्स इसको एक्स रह जाएगा अपॉन जी। अब जी से और डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक्स अकेला है, इससे कंपेयर करना बिल्कुल, ये एक्स और ये धान बिल्कुल, ये एक्स अपॉन आर, बाकी इसको क्या एक्स रखना बाकी सब नीचे, तो ये क्या आ जाएगा रूट थ्री एक्स वन माइनस एक्स अपॉन थ्री रूट थ्री अपॉन जी। ये अब अपन इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर विद एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, इसकी पहचान है यहाँ पे वन होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, बस ये धारण होना चाहिए, यहाँ पे वन और बाकी आर बन जाएगा जो जाएगा, और ये पूरा पूरा जो इसके बाहर है वो एक्स टेन थीटा बन जाएगा एक्स वन। तो यहाँ पे रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स एक्स कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 60, क्यों टेन 60 वैल्यू रूट थ्री होती है। अब रेंज की तुलना करें, तो ये रेंज एक्स आर, तो रेंज हो गया आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री अपॉन जी, तो जी से जी कैंसिल। अच्छा अब यहां पे साइन टू थीटा साइन 60 है, तो साइन में तो यू स्क्वायर देखो 60 पे साइन 60 साइन 120, लेकिन अपन को जानता है ये रेंज है ना, 60 पे वही रेंज होती है, 30 भी वही होती है, पता है ना कि थीटा 90, तो आप 60 की जगह 30 रेंज में तो ले सकते हो ना, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 3 रूट 3। मैंने क्या करा बताओ कि रेंज 60 पे वही होती है जो कि 90 माइनस 60 30 पे, तो 30 लिख दिया वो, तो साइन 120 की वैल्यू यही होती है, अगर आप साइन से करोगे ना साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 ऐसे लिख सकते हो 60, तो ये साइन 60 होता, ऐसे ही कर सकते हो। तो ये आपका यू स्क्वायर साइन 120 120 साइन 120 की जगह साइन 60 लिख दिया, तो 120 इज इक्वल थ्री रूट थ्री। अच्छा यहां पे आ गया यू स्क्वायर रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो यू कितना आ गया
तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं इसको, थोड़ा जगह नहीं है, इसको यहां पे लिख देते हैं, तो यू इज इक्वल टू रूट सिक्स। तो बच्चों ये आएगा रूट सिक्स, तो आपको यू पता चल गया, थीटा पता चल गया। अब अपन को क्या निकालना है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। अच्छा रेंज तो अपने निकाल ही लिया ना, रेंज तो कितना निकाला था, रेंज तो थ्री रूट थ्री अपॉन जी है ही, तो रेंज तो ये आ गया आपका थ्री थ्री अपॉन जी। अच्छा अब अपन को क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, टी बराबर टू यू साइन थीटा अपॉन जी। हाइट भी निकाल सकते हैं, हाइट में फॉर्मूला पता चल गया, जो साइन थीटा पता चल गया, तो यू टू, यू कितना है रूट सिक्स, और साइन थीटा रूट सिक्सटी, रूट थ्री बाय टू सिक्सटी अपॉन टेन। तो आपका कुछ कट रहा है तो काट दो, टू से टू कट जाएगा, रूट एटीन डिवाइडेड बाय टेन आ गया भाई, साइन सिक्सटी हो गया, यू आपका रूट सिक्स आ गया, टू रूट सिक्स रूट थ्री बाय टू, और टेन टू से टू कट जाएगा, रूट सिक्स बाय टेन, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो बच्चों मैंने दोनों पे न्यूमेरिकल लिया, उस पर भी लिया और इस पर भी लिया कि इसको कैसे यूज करते हैं। अब अपन इसके अंदर नए टाइप का प्रोजेक्टाइल बात करेंगे, जो अपन किसी टावर पे फेंकते हैं, तो टावर के लिए इसको पॉज करके उतारो, जिससे मैं इसको मिटा दूं फिर वापस उतार दूं। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, तो इसमें अपन तीन केस पढ़ेंगे, फिर तीन न्यूमेरिकल भी ले लेंगे। देखो एक तो है कि सपोज ये आपकी टावर है और इस वेलोसिटी यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल, एक आपका थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से अब वाई डायरेक्शन में फेंका, तो ये हाइट है एच, और एक यही हॉरिजॉन्टल से ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड एंगल है और ये हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड एंगल है थीटा, और ये एच है तीनों ही। तो ये हॉरिजॉन्टल, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, मैंने पहले बता चुका हूं आपको वेक्टर के अंदर कि यू कॉस 90 इधर करोगे तो यू कॉस 90 एंगल के साथ कंपोनेंट थीटा लेते हैं, यू कॉस 90 तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर ये इधर जीरो से चलेगा, यू वाई कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इसको टाइम मैंने कहा था वर्टिकल कंपोनेंट फ्लाइट सेट करता है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन, मैंने कहा ये आपका शुरू में पढ़ा होगा, जहां से अपन फेंकते हैं वो होता है आपका ओरिजिन, इसमें मैंने वही साइन ले रहा हूं, ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव, तो इसके जो आपका हाइट आएगी माइनस एच जीरो प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, यह आएगा एच गिनने में लगा समय, और ये वर्टिकल है तो टी इजल टू हो जाएगा, एच से एच कंसर टी इज इक्वल टू हो जाएगा टू एच अपॉन जी, ये आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये समझा, माइनस एच को लिखा कि मैंने ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे वाले को माइनस, तो जी तो नेगेटिव होता ही है और यही माइनस एच। अच्छा इसका रेंज क्या होगी, ये रेंज जो आएगी इधर से इधर करेगा, ये एक तरह का रेंज, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू, ये हॉरिजॉन्टल यू ही रहेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगी टू एच अपॉन जी, ये इसका रेंज आ जाएगा फॉर्मूला। और इस केस में अच्छा ये जमीन पे किस वेलोसिटी से टकराएगा, ये पूछता है
तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चलो मैं क्वेश्चन ले लूंगा बाद में, इसका बाद में बोलूंगा। चलो अच्छा ये होगा यू कॉस थीटा, ये हो गया यू साइन थीटा। अब इसको वही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूं, माइनस एच यू साइन थीटा इंटू टी अब वार्ड है प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका इस फॉर्मूले से आपका टाइम निकलेगा, वो तो डाटा देंगे तो उससे टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इससे देंगे अभी तो अपन इस पर रख देते हैं टी, हाइट दे देंगे, थीटा दे देंगे, यू दे देंगे, तो आपको जी सब क्या निकालना है, टाइम ही तो निकालना है। उसके बाद रेंज, तो रेंज होगी इधर जाएगा तुम, तो ये रेंज हो जाएगी आपकी यू कॉस थीटा इंटू टी, ये टी यहाँ से आ जाएगा आपका, ये रेंज ठीक, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ये रेंज। इस केस में यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन थीटा, तो माइनस एच माइनस यू साइन थीटा इंटू टी नीचे और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्ट, एच भी नीचे यू भी नीचे जी भी नीचे। तो ये आपको इसको सोल्व करोगे, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है साइन को, मैं नीचे वालों को अच्छा यू साइन थीटा नीचे, फिर इसकी रेंज जो आएगी वही यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये इसका अपना कंसेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप उतार लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन लेता हूँ। ये ठीक, ये क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, ये आपका टावर है एच हाइट, एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं यू से, ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरी बॉल को आपका यू से इधर एक ही जगह से तीनों, और एक ये नीचे, ये बॉल है ए बी सी। आपको ये बताना टकराते समय सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी और पहले कौन पहुंचेगा। ठीक है देखो बच्चों, पहले ए के बारे में बात करते हैं, ए बी ए के बारे में बात करते हैं, ये तो वन डी का है, तो आपका फोर ए तो ऊपर आ रहा है यू स्क्वायर टू जी माइनस एच, तो नीचे जमीन तक का निकालना ना, सबका जमीन पर टकराते समय किसकी स्पीड ज्यादा होगी एच, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर वी वन का स्क्वायर, वी वन लग देता है, तो ये हो जाएगा वी वन यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, इस वेलोसिटी से टकराएगा ये। इक्वेशन फोर सी के लिए लेते हैं, फोर सी के लिए ये नीचे ही है, तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो माइनस बी का स्क्वायर था ये प्लस हो जाता है ना, इसके में माइनस यू स्क्वायर टू माइनस जी माइनस एच बराबर वी टू का स्क्वायर, ये माइनस वी वन का स्क्वायर, देखो माइनस वी वन का स्क्वायर वी स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर में कोई नेगेटिव संख्या का पॉजिटिव को फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया यू स्क्वायर टू जी एच, ये हो गया वी टू। तो वन डी में जो है तो प्रोजेक्ट आपको कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब फ्रॉम सी के लिए देते हैं मैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा इस केस में, जब ये टकराएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू रहेगा, अपन वर्टिकल कंपोनेंट और निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू एक्स यू के बराबर और यू वाई वो जीरो है, तो एच गिनने के बाद जो वेलोसिटी आएगी ये आ जाएगा यस, ये तो हो जाएगा सपोज ये वी से टकराया, थोड़ा सा डायग्राम ऊपर बना दूं, हो सकता है स्क्रीन में नहीं आ रहा हूं,
ये तो ये आपका V से ये टकराता है, तो ये कंपोनेंट थीटा एंगल पर थीटा लेते हैं, तो ये जो वी एक्स होगा वी कॉस थीटा वो तो यू ही होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नो चेंज है और फाइनल वेलोसिटी वी से टकराता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा रहेगा वी, और ये हो जाएगा वी साइन थीटा। सपोज ये थीटा एंगल पर टकरा रहा है और वी के दो कंपोनेंट वी कॉस थीटा वी साइन थीटा और जीरो से चला, तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? माइनस वी साइन थीटा का होल स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, इनिशियल जीरो से चला, वर्टिकल को वर्टिकल से बैलेंस करना है, टू माइनस जी माइनस एच, तो वी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। और वी साइन थीटा टू जी एच का रूट। अब अपनों के पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया वी कॉस थीटा यू, और वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया, और थीटा को एलिमिनेट करना है तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके एडिंग कर दे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाता है। तो फोर, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? बी के लिए हो रहा है सर, ये जाना ना, फोर सी फोर बी लिखना है, फोर बी फोर बी, सी का बता दिए ए का बता दिए ना, तो इनको स्क्वायरिंग कर लें, तो यहां लिख देते हैं वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बच्चों वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर, तो यू स्क्वायर हो गया और इसका हो जाएगा टू जी एच, भाई इसका स्क्वायर यू स्क्वायर, इसका टू जी एच, और इसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो गया, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो ये वी किससे टकरा रहा है? देखो दो तो आपके वन डी के हैं, तीसरा आपका प्रोजेक्टाइल का, तो वो अपना कंपोनेंट को कराएगा, तो आंसर किस वेलोसिटी से टकराएगा? तीनों सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, मतलब इसको अगर अपन वी थ्री नाम देते हैं, ठीक है वी थ्री, तो तीनों समान वेलोसिटी से टकराएंगे। ये तीनों समान स्पीड से टकराएंगे, अच्छा इसका एंगल निकालना चाहते हो एंगल भी निकाल सकते हो, ये कितने एंगल पे टकराएगा? देखो टेन थीटा इजिकल टू क्या है, टेन थीटा निकाल सकते हो, टेन थीटा इजिकल टू वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल, तो वी साइन थीटा अपन वी कॉस थीटा, तो वी साइन थीटा कितना निकला था? रूट टू जी एच अपॉन यू, आप चाहो तो इस बार मैं क्वेश्चन इसके अंदर लिखा नहीं, इसके अंदर बता दिया भाई वर्टिकल कंपोनेंट तो वी साइन थीटा रूट जी एच का, टू जी एच का रूट, और ये यू यू। अच्छा पहले कौन टकराएगा ये बताओ, देखो इस केस में पहले ये टकराएगा ये टकराएगा, देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है तो ये तो जीरो से चलेगा, ये आपका सी यू से चलेगा, और ये यू जाके वापिस यू होगा, अंदा लगाओ ये यहां पे आके बाद यू होगा, ये यू ऑलरेडी इनिशियली है, तो सबसे पहले कौन टकराएगा? सी, सी पहले टकराएगा, सबसे पहले सी टकराएगा। अच्छा उसके बाद देखो ये यहां पे जाके जीरो हुआ है, इस जगह यहां पे आके आया था यू जीरो होगा, तो वहां से चलेगा जीरो से, और ये जीरो से यहां से चल रहा है, लेकिन ये जीरो से ऊपर चला, इसे जीरो से ये यहां से जीरो से चलेगा, तो वो डिस्टेंस भी ज्यादा दूरी तय कर रहा है,
और यहां से जीरो से चलेगा तो ये पहले पहुंचेगा ना भाई, वो आपका किसी हाइट से ज्यादा और ऊपर से जीरो से चलेगा, इस हाइट से जीरो से चलेगा तो कौन ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना ये, तो ये पहले पहुंच जाएगा। तो पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पहले सी टकराएगा उसके बाद बी। तो मतलब ऐसा कर सकते हो टी सी टी बी और टी ए ऐसे लिख सकते हो, जबकि वेलोसिटी में बी सी बराबर बी बी बराबर बी ए ऐसे लिख सकते हो। सेम वेलोसिटी से टकराएंगे लेकिन सबसे कम समय बी सी लेगा, उससे कम ये ऊपर जाके जीरो का, इस जगह से जीरो से चला और एक यहां से जीरो, एक तो इस जीरो से जीरो से चले, जीरो से चले दोनों सेम वेलोसिटी, लेकिन ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो टाइम ज्यादा लेगा ना, तो ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसको उतारो, फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है ये, कि ये कोई आपकी टावर है 50 मीटर हाइट और इस पे यू वेलोसिटी है वो है 30, यू इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और एंगल 30 और ये ग्राउंड, तो आपको ये आपका जब सबसे ये जाके यहीं टकराएगी 50 मीटर के हाइट से टावर पे, अपन इनिशियल प्रोजेक्ट कर रहे 30 मीटर पर सेकंड ओरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पर, तो ये तो आपको निकालना है टी, दूसरा निकालना आर, तीसरा निकालना है मैक्सिमम हाइट, चौथा विच वेलोसिटी बॉल इन विच वेलोसिटी इन विच वेलोसिटी बॉल हिट द ग्राउंड एंड आपको 500 निकालना और एंगल भी, व्हाट इज द एंगल मेक बाय बॉल या व्हाट इज एंगल मेक बाय वेलोसिटी वेलोसिटी व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड। टी निकालना, आर निकालना, मैक्सिमम हाइट, देखो मैक्सिमम हाइट ये होगी ये, अच्छा, और इन इन विच वेलोसिटी वॉल हिट द ग्राउंड और व्हाट इज द एंगल मेक बाय वेलोसिटी व्हेन वॉल हिट द ग्राउंड, एंगल भी निकालना, मतलब ये आपका वी वेलोसिटी से टकरा रही है तो ये थीटा भी निकालना ये। तो वही तरीका, इसका कंपोनेंट कर लो, ये कंपोनेंट होगा यू कॉस 30 और ये हो जाएगा यू साइन 30। तो इक्वेशन यू साइन 30 से माइनस 50 कवर कर, क्योंकि ये इनिशियल ये आपका ओरिजिन हो गया और माइनस एच कवर करने में लगा समय, तो डायरेक्ट जमीन तक आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू यू कॉस 30 यू साइन 30 इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ये लिख दिया। तो माइनस 50 और ये कितना है 30 हाफ, ये हो गया 10 हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। इक्वेशन को अगर अपन इसको सोल्व करें तो माइनस 50 इक्वल टू 15 माइनस 5t स्क्वायर और इसको 5 से काट ले तो माइनस 10 3 माइनस t स्क्वायर और ये आपका t हो रहा है, तो t t ut है ना, t भी है ना,
तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस टू टी माइनस टेन इक्वल टू जीरो, तो टी आपका कॉमन आ गया, तो टी टी माइनस फाइव और इधर आ जाएगा आपका टी माइनस फाइव जीरो। तो फैक्टर क्या आ रहा है, टी माइनस फाइव और टी प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू फाइव सेकंड। नेगेटिव टाइम तो होता ही नहीं है ना, तो फाइव सेकंड मतलब फाइव सेकंड पे ही जमीन पे टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ लाइफ तो हो जाएगी पांच। अब दूसरा इसके अंदर आर, आर के लिए क्या करोगे, देखो ये टाइम ऑफ लाइफ पांच सेकंड था, यू कॉस थर्टी से लगातार चलेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का टाइम वर्टिकल से डिसाइड होता है, ये तो लगातार चलता ही रहता है। तो आर हो जाएगा यू आपका है कितना, थर्टी कॉस थर्टी इंटू फाइव, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो थर्टी इंटू रूट थ्री बाई टू इंटू फाइव पंद्रह, पिछहत्तर रूट तीन मीटर, मतलब ये जो रेंज होगी पिछहत्तर रूट तीन मीटर होगी यहां पर। तीसरा मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम हाइट मैंने तो ये निकाले था हाइट, देखो यहां तक का तो ये आपका इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना इसी सीध में, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जिस जगह जीरो हुआ है वो हाइट निकाले उसमें अपन फिफ्टी और जोड़ देते हैं अलग से, तो ये अपन मान लेते हैं स्मॉल एच, ये तो ये हो जाएगा आपका एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से कर रहा हूं इस वाले को, इधर इस वाले को, इसमें मैं 50 अलग से जोड़ दूंगा, तो जमीन से ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड ये लिख दिया, तो यू कितना हो गया 30 का स्क्वायर और साइन 30 कॉस थीटा साइन थीटा 1 बाई टू अपॉन 2 इंटू टेन, तो यह आ जाएगा आपका 900 इंटू एक बटा चार और 2 इंटू 10, 10 से जीरो कट गया, ये हो गया 45 और ये कट गया 11.25 क्योंकि 45 डिवाइडेड 4, तो आपका ये टोटल मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो जाएगी 50 प्लस 11.25, ये हो जाएगा 61.25 मीटर, ये एच आ जाएगा, ये एच यहां तक का एच आ जाएगा, ये एच। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गई और हाइट आ गई। अब इन विच वेलोसिटी वॉल हिट द ग्राउंड और एंगल, तो दोनों एक साथ आएंगे इसके अंदर, इसको मैं इधर से मिटा देता हूं, देखो ये कंपोनेंट तो हो गया v cos थीटा और ये हो गया v sin थीटा, तो v cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है, तो v cos थीटा इज इक्वल टू u cos 30, तो u कितना माना 15 इंटू रूट थ्री बाई टू यानी 30, तो ये हो जाएगा तो v cos थीटा इज इक्वल टू ये। अब u sin थीटा निकालना, तो इससे निकाल लें वर्टिकल कंपोनेंट से, नीचे की तरफ है h कितना है 50, तो ऊपर कितना था u cos 30 u sin 30, तो ये हो जाएगा माइनस v sin थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर है u
साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस 2gh 2 माइनस 10 इंटू एच माइनस 50। मैंने क्या किया, इस वर्टिकल कंपोनेंट से 50 मीटर को तय करने में लगा समय की जगह 50 माइनस 50 का होना बाकी वेलोसिटी आ जाएगी। इक्वेशन थर्ड से क्या लगा, वी वाई का स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh तो आ जाएगा प्लस 2g माइनस 10, g तो हमेशा नेगेटिव लेना है, h माइनस 50 नीचे तक आ जाएगा। तो यह आगे u आपका हो गया 15 का स्क्वायर 30 और ये हो जाएगा आपका 20,000। तो ये आपका बी साइन थीटा इजिकल टू 1225 नीचे की तरफ का रूट, और ये मेरे हिसाब से 35 होना चाहिए, तो 35 इंटू 35 देख लो आप करके गुणा 35 इंटू 35 पचम 25 पाँच तीन 15 15 2 3 5 15 3 3 9 10 हाँ 1225 तो वी आ गया। तो वी साइन थीटा आपका आ गया 35 और वी कॉस थीटा भी निकाला था ये रहा, तो वी कॉस थीटा इन दोनों का स्क्वायर कर लो तो होगी वेलोसिटी आ जाएगी। तो वी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर और प्लस 15√3 का स्क्वायर ये हो गया 1225 15 15 225 225 675 वी स्क्वायर। तो वी इजिकल टू 1225 प्लस 600 1800 1900 1900 इसका भी रूट करोगे तो आप 10√19 इससे। अब एंगल, एंगल देखो वी कॉस थीटा पता, वी साइन थीटा, ये वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा, तो एंगल और निकल जाएगा 10 थीटा वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा। वी साइन थीटा कितना निकला था, 35 और ये कितना है 15√3 तो ये 10 थीटा जाएगा भाई। बट दोनों पता चल जाए हैं साइन और कॉस, तो आपको 10 थीटा ये तो निकालना, इसके सामने ले लो एंगल में बताया था वेक्टर में, आप इसको सामने रखो इससे ट्रायंगल बन जाएगा ना, ये रहो किसी वेक्टर को उसके इटसेल्फ पैरेलल फाइव शिफ्ट कर सकते हैं, तो आ जाएगा वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा ये आपका आ जाएगा। तो ये आप कर लेना इसको, तो थीटा इज इक्वल टू 7/3√3 ये आ गया 10 थीटा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसको आप उतारे तो मैं क्वेश्चन और लास्ट हो लेता हूं एक और, इसके बाद मिटा दो, उतार लीजिए आप इसको। तो ये क्वेश्चन और है बेटा, देखो ये कोई आपकी आमने सामने दो बिल्डिंग है और इसके अंदर क्या है कि यहां से ये 55 मीटर से कोई खिड़की है विंडो, और एक खिड़की यहां पर है विंडो, यहां से कोई स्पीड एक स्ट्रे फेंकता है और ये 180 मीटर की डिस्टेंस, मतलब दो आपकी स्ट्रीट है और आप आमने सामने की बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस 180 मीटर है और यहां से यू और ये आपका है 55 मीटर, एक जगह से दूसरी जगह उसकी बिल्डिंग में फेंक रहा है और वो इस तरह फेंक रहा है कि यहां से आके इससे पार निकल जाए यूं, हॉरिजॉन्टल फेंका है ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरह है कि ये इससे निकले और ये इससे 10 मीटर है
10 मीटर। तो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग देखो, एक 55 मीटर है, एक 10 मीटर है, इस तरह मतलब हाइट है इसके अंदर 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर, द ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली, द ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो, फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव ग्राउंड, फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव ग्राउंड, फ्रॉम वन बिल्डिंग, फिर थ्रू ए विंडो अबव ग्राउंड फ्रॉम वन बिल्डिंग, 155 मीटर अबव ग्राउंड फ्रॉम वन बिल्डिंग थ्रू 10 मीटर अबव, ग्राउंड इन अदर बिल्डिंग थ्रू ए विंडो, थ्रू ए विंडो 10 मीटर, 10 मीटर ऑफ ग्राउंड इन अदर बिल्डिंग, फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। देखो क्वेश्चन दो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर, द ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर अबव ग्राउंड फ्रॉम वन बिल्डिंग थ्रू ए विंडो 10 मीटर अबव, क्योंकि ये विंडो यहां पर है, ये 10 मीटर अबव ग्राउंड इन अदर बिल्डिंग, मतलब आपको इस तरह फेंकना है कि इसके अंदर से निकले वो, थ्रू ये लिखा है 50 अबव ग्राउंड फ्रॉम वन बिल्डिंग थ्रू ए विंडो 10 मीटर अबव ग्राउंड इन अदर बिल्डिंग फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो बच्चा सिंपल है, देखो इसके अंदर ये 10 मीटर है तो इसने कितनी कवर करी, जितनी देर में ये 180 करेगा ना उतनी देर में ये 45 करना चाहिए, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ यू बाई जीरो, क्यों हॉरिजॉन्टल फेंक रहे ना अपन, तो 45 मीटर कवर करने में लगा समय, टाइम निकालेंगे उस टाइम में, उस टाइम के अंदर 180 कवर करवाना है। देखो तो माइनस 45 समझे, 10 घटा दिया, माइनस 45 इज इक्वल टू 0 इंटू टी हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। देखो पूरे जीवन 10 ही लिया जिसे कैलकुलेशन आ जाए, ये 45 गिनने में लगा समय निकल जाएगा टाइम, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5 9, तो टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये वॉल जो हॉरिजॉन्टल जाएगी
तो इसकी इनिशियल स्पीड जीरो होगी, और इनिशियल स्पीड जीरो होगी तो वो इसको यहाँ तक, ये 10 मीटर है, ये 55 है, तो इसको वर्टिकल गिरने में कितना 45 गिरेगी, तो 45 को 3 सेकंड में कवर करेगी। अब हॉरिजॉन्टल स्पीड इतनी रखनी है कि 3 सेकंड में वो 180 चली जाए, ये 180 है, तो दूसरा हो गया 180 इज इक्वल टू यू इंटू 3, तो यू हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कंपोनेंट है, नहीं तो यू कॉस थीटा लिखना पड़ता है, लेकिन यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे 60 मीटर। तो बच्चों आपका ये मेरा था प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। तो अगला लेक्चर अपन जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइन प्लेन। तो बच्चों ये दोनों लेक्चर, पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर भी बता दिया, सेकंड लेक्चर भी बता दिया, और इसको आप ढंग से पढ़ें, और बाकी तो क्वेश्चंस की तो कमी नहीं है मैंने बताया, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन तो और भी हो जाएंगे, तो आप इसको बार बार पढ़ें। तो थैंक यू।